अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद इरफान। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज है 10.4, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव डैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल निकालना है। तो यहाँ से देखें, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, इसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया। अब उसके बाद ये हमारे पास हो गया साइन, ये हो गया साइन 50 डिग्री और ये हो गया साइन 10 डिग्री और ये है साइन 70 डिग्री। ये हमने यहाँ से ले लिए। अब हम क्या करते हैं, हमने इस पर फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ से देखते हैं। हमारे पास इन दोनों पे हम लगा रहे हैं फार्मूला। तो यहाँ पे देखें, ये 1/2, इन दोनों पे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर फार्मूला। तो यहाँ से देखें, ये है साइन 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ डिवाइड किया, ये यहाँ पर आगे क्या आ रहा है, साइन 70 डिग्री। ये वैसे का वैसे ही इसको हमने लिख देना है। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ डिवाइड किया। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे जो फार्मूला हमने लगाना है, फार्मूला में लिख रहा हूँ बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा है, फार्मूला है हमारे पास 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा माइनस बीटा माइनस कोज अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला हमने इस पर अप्लाई करना है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा माइनस बीटा माइनस कोज अल्फा माइनस बीटा। तो ये यहाँ से हो जाएगा 1/2 टू द 4 और इस पे हम लगा रहे हैं फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या खुलेगा, कोज अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया कोज अल्फा की जगह पे 50 है और बीटा की जगह पर 10 है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10, यहाँ पे माइनस है, कोज अल्फा माइनस बीटा माइनस कोज अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा कोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे कितना है 50 है और प्लस बीटा की जगह पे कितना है यहाँ पर 10 है और ये साइन 70 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये है साइन 70 डिग्री वैसे का वैसे ही हमने लिख देना है। तो अब ये यहाँ पर हो गया 1/4, ये कोज 50 और 50 में से 10 निकाले तो कितना हो गया, ये कोज 40 डिग्री माइनस ये 50 और 10 कितने हो गए, कोज 60 डिग्री और ये साइन 70 डिग्री वैसे का वैसे ही यहाँ पर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, कोस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है, कोस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये यहाँ पर आ गया 1/4 कोस 40 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2 और ये साइन 70 डिग्री वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब हम ये क्या करते हैं कि ये साइन 70 डिग्री हम दोनों के साथ करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा कोस 40 डिग्री, कोस 40 डिग्री और ये साइन 70 डिग्री। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले बड़ी वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ये कोस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री माइनस, यहाँ से इन दोनों को जब करवाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 70 डिग्री। तो इसमें हम ये करते हैं कि ये बड़ी वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 साइन, ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री और कोज 40 डिग्री माइनस 1/2 साइन 70 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फिर से फार्मूला बनना है। यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और 2 के साथ इसको हम करवाते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे स्टेप क्या हो गया, 1/4, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ ही डिवाइड। तो
यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और 2 के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन 70 डिग्री और कोस 40 डिग्री, माइनस यहाँ से ये आ रहा है 1 ओवर 2 साइन 70 डिग्री। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 2 के साथ डिवाइड करवा दिया, तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फा कोस बीटा। तो फार्मूला 2 साइन अल्फा कोस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये यहाँ से हो गया, इन दोनों में से 1 ओवर 2 में निकाल लेता हूँ कॉमन, ये 1 ओवर 2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो ये 1 ओवर 4 पहले ही बाहर है और जब ये 2 कॉमन आएगा यहाँ से दोनों में से 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस पर हम फार्मूला लगा लेते, तो 2 साइन अल्फा कोस बीटा, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे 70 है और बीटा की जगह पे 40 है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 40 डिग्री माइनस प्लस आएगा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पे कितना है, अल्फा की जगह पे है 70 डिग्री माइनस बीटा की जगह पे कितना है 40 डिग्री। तो इस पर हमने फार्मूला लगा दिया और ये बाकी वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ से ये आ रहा है माइनस 1 ओवर 2 साइन 70 डिग्री, ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 ओवर 4 2 द, ये हो गया 8, ये हो गया साइन 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस ये साइन 70 में से 40 निकालें तो बाकी कितना बच जाएगा 30 डिग्री, और ये माइनस ये 1 ओवर 2 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 ओवर 2 नहीं आएगा, ये 1 ओवर 2 क्योंकि हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया बाकी साइन 70 डिग्री, 1 ओवर 2 बाहर चला गया था, ये आ गया साइन 70 डिग्री, तो ये आ गया। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे लाइट एंगल फार्मूला लगेगा, ये हो गया 1 ओवर 8, ये जो 110 डिग्री है 110 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, अगर 180 में से 70 निकालें तो बाकी कितना बचेगा 110 डिग्री, और ये प्लस का साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री और माइनस साइन 70 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमने लगाया अलाइड एंगल फार्मूला, ये मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, साइन 180 माइनस 70 डिग्री, तो 180 में से अगर हम 70 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बचेगा 110 डिग्री। तो ये अलाइड एंगल फार्मूला है, 180 पे कितने चक्कर बने, ये हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस ये 70 डिग्री, तो 180 पे 90 के दो चक्कर बनने, अगर ये रोटेशन इसमें इवन होगी तो साइन साइन के अंदर ही रहेगा और ये चीज़ स्किप हो जाएगी, और 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, 180 में से कुछ माइनस होगा तो ये 180 यहाँ पर आ रहा है, 180 ये यहाँ पर 180 है, 180 में से जब कुछ माइनस होगा तो ये जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या आ गया साइन 70 डिग्री और ये प्लस आ गया साइन 30 डिग्री और ये माइनस का साइन 70 डिग्री, और बाहर यहाँ पे क्या था 1 ओवर 8। तो अब ये प्लस का साइन 70 डिग्री है और ये माइनस का साइन 70 डिग्री, ये दोनों हो गए कैंसल, बाकी बच गया साइन, ये हो गया 1 ओवर 8 और ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू देता है 1 ओवर 2, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यही हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी तो इसका आंसर हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकालना था, तो राइट हैंड साइड इसकी थी 1 ओवर 16, तो ये प्रूव हो गया। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही कर दें बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।